जैन तीर्थ सिद्धोदय क्षेत्र नेमावर में आचार्य विद्या सागर जी महाराज का 52वां चतुर्मास मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के अनेक प्रांतों सहित देश विदेश से अनुयायी नेमावर पहुंचे। सभी कलश आचार्य श्री द्वारा किए गए मंत्रों के उच्चारण के साथ स्थापित किए गए कलश विश्व शांति व विश्व कल्याण के उद्देश्य की कामना से स्थापित किए गए हैं। महाराज श्री के सत्संग चतुर्मास के लिए 52 संकल्प कलश सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र स्थित जिनालय में स्थापित किए गए। प्रथम कलश सुनील कुमार जैन पाली राजस्थान, द्वितीय कलश आर के मार्बल किशनगढ़ राजस्थान, तृतीय कलश सुंदरलाल जी बीड़ी वाले इंदौर को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कलश स्थापना समारोह पश्चात आचार्य श्री के मंगल प्रवचन सुनकर श्रावक धन्य हो गए। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। वर्षा काल में लाखों जीवों की उत्पत्ति होती है और वह बहुतायत से चारों ओर व्याप्त रहते हैं। ऐसे में पदबिहारी साधुजनों से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की हिंसा ना हो, इसलिए जैन साधु वर्ष काल के 4 महीने में अपनी पदयात्रा रोककर किसी एक स्थान पर रुककर अपने आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय, धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से जैन धर्म व दर्शन का अध्ययन मनन करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास स्थापना कलश की स्थापना हुई है। यहाँ इस कलश स्थापना के बाद संपूर्ण देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे। यहाँ आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से पंचवाल्यति त्रिकाल चौबीसी एवं सहस्त्रकूट मंदिर जिनालय का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। आने वाले समय में इसके पंचकल्याणक होने की संभावना है। आचार्य श्री जी का मंगल आशीर्वाद इस क्षेत्र पर और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर है। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है और उसी का परिणाम है कि हजारों की श्रृंखला में, हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा।